हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, अभी सुबह के बजे हुए हैं 8:30 और मैं लग गई हूँ अपने काम में। और ये देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है, क्योंकि कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और आज भी है, लेकिन आज फिर भी ठीक है। तो चलिए मैं अपना काम कर लूँ और मुझे है बहुत काम भी करना। संडे है तो संडे का ब्लॉग है ये, और कल जाएगा ये मंडे को। तो अभी मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोना है, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह। तो चलिए मैं देखिए, आज बंधु आया हुआ है। मैं इस वाले रूम में है, क्योंकि वो इधर उधर घूमने को जा रहा है, इसलिए यहाँ पर। ये देखिए भौंदू को, ये देखिए फ्रेंड्स, भौंदू आ गया है। इसका नाम मैं भौंदू बोलती थी। ये देखिए इसको, और रिया रिचान इसका नाम टफ ही रखा हुआ था। ये देखिए सबको इतना मिस कर रहा है ये। ये देखिए इसको, भोंदू अभी दुबला हो गया है। अब देखिए कितना दुबला हो गया है। इतना मस्ती करता है ये, बहुत ही ज्यादा। ये जैसे वहां से वो लोग छोड़ते हैं तो सीधा यहीं आता है। नहीं, 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 नहीं। और अभी मतलब बता रहा है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ से हटा दिया है। टफी छोड़ो। ये देखिए, बंधू क्या हो गया बंधू को, देखिए इतना मस्ती करता है। टफी बस टफी, क्या हो गया, गुस्सा दिखा रहे हो। बैठ जा। जैसे ही सबसे मिलता है बस ऐसे ही करता है सबके साथ। बैठ जा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं अपना काम कर लूं। और ये देखिए फ्रेंड्स, भंदू को ये कड़क रोटी खा रहा है। रात की जिम्मी की रखी हुई थी, वही वाली रोटी खा रहा है। और पहले ये दूध रोटी सिवा कुछ भी नहीं खाता था। अगर रिया इसको सादा रोटी देती थी रेचा, तो वो भी नहीं खाता था गरम। और अब देखिए ये कड़क रोटी खा रहा है। टाइम टाइम की बात है, सब किस्मत की, कि पहले ये गरम नहीं खाता था और अब ये कड़क रोटी खा रहा है। हो सकता है इसको अभी उन लोगों ने दी ना हो रोटी खाने के लिए, दूध रोटी। और यहाँ पर क्या है, रिचा सुबह से दे देती थी, तो इसको वो याद आता है कि ये सुबह से इसको रोटी खाना है। और आकर सीधी ये कड़क रोटी पर, मतलब इस तरीके से टूटा। आप देखिए अभी तक इसने वो दो रोटी खा चुका है और ये तीसरी रोटी खा रहा है। इतना भूखा है सुबह से। और यहाँ पर देखिए मैंने चुनिया को अभी बाहर बांधा हुआ था और बस थोड़े से ढक्कन में रख दिया था भूसा, तो गौरी भी आ गई है। गौरी साथ में खा रही है चुनिया के भूसा। चुनिया आपने पी लिया ना, अब लक्ष्मी को पिला देने दो, देखो उसको भी पीना है पानी। अभी और पीना है चुनिया, रुको उसको पी लेने दो। दे रहा है एक मिनट, चुनिया को नहीं है सबर। पी लो, धूप लग गई बहुत ज्यादा चुनिया। ये देखिए फ्रेंड्स, चुनिया पहले भी मैंने एक बाल्टी पिला दिया, अभी भी पी रही है, क्योंकि धूप में सुबह से बंधी हुई है इसलिए।
चलिए अब लक्ष्मी ने भी पी लिया है। और यहाँ पर आ गई है चुनिया की माँ गौरी। तो चुनिया को मैंने अंदर बांध दिया था, मैंने कहा बाहर बंधी रहेगी तो गौरी कब आ जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा और दूध पिलाकर चली जाएगी, तो इसीलिए मैंने चुनिया को अंदर कर दिया है। तो बस अब गौरी आ गई हैं तो गौरी का पी रही हैं चुनिया दूध। तो चुनिया ने पी लिया है दूध, अब मैं चुनिया को बांधूंगी और मैं लगाऊंगी गौरी का दूध। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड रिश्तेदारों को। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं लगा ले रही हूँ गौरी का दूध। अरे भूख ये आज